नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अब महागठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सीपीआई कार्यालय में महागठबंधन के बैनर तले सीपीआई ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ सीपीआई के जिला महासचिव प्रभात कुमार पांडे ने बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है। कोरोना काल में फर्जी बिल भी पास हुआ है। जांच के नाम पर खानापूर्ति किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सीपीआई जिला महामंत्री प्रभात पांडे ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। लूट हुआ है कोरोना काल में, और वो जितनी राशि ऊपर से आया वह बंदरबांट हो गया। जो कोरोना पीड़ित रहे हैं उनकी व्यवस्था नहीं दी गई है, और वो व्यवस्था नहीं देने की वजह से सारा के सारा परेशानी हुआ। आपने देखा कि बेलछी में कोरोना काल में सतुआ दिया जा रहा था, और वह सतुआ में कीड़ा मरा हुआ वायरल हुआ था वीडियो आप लोगों के माध्यम से, आम लोगों के माध्यम से। मतलब यह साबित करता है कि कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लूट हुआ है, और इसकी जांच राज्यसभा में उठाए मामला से पूरा क्लीन चिट दे दिया। ये नहीं चलेगा। भारतीय कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आई, राजद, सीपीआई माले, सीपीएम, तमाम महागठबंधन के लोग यहां उपस्थित हैं। हम जांच की मांग करते हैं, और नहीं जांच होगा तो सड़क पर उतर के हम तमाम लोग आंदोलन करेंगे। इस जिले में करोड़ों का लूट हुआ है, और सात निश्चय योजना गड़बड़ है। आप ये जान लीजिए ना कि आप जाइए ब्लॉक में वृद्धा पेंशन के लिए, वहां भी रिश्वतखोरी है। आप जाइए ब्लॉक में आय जाति आवास बनाने के लिए, वहां घुसखोरी है। आज ही जो है लोग दाखिल खारिज में भी बिना पैसा का, बिना नजराना का नहीं हो रहा है, और इस बात को महागठबंधन के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ज्ञात होगा कि महागठबंधन के विधायक विजय सम्राट जी ने घोषणा किया है कि भ्रष्ट लोगों का वीडियो बना के लाओ, 1,000 से 1,00,000 तक के हम इनाम देंगे। और उस पटल पर यहाँ के महागठबंधन के तमाम नेता आज उपस्थित हम हैं, और उस तरफ बढ़ चुके हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त शेखपुरा बनाने के लिए कतिपय हैं, हम कटिबद्ध हैं, और हम लोगों ने तय किया है कि महागठबंधन के विधायक विजय सम्राट के नेतृत्व में शेखपुरा जिले के अंदर महागठबंधन के तमाम लोग एकजुट होकर भ्रष्टाचार मुक्त शेखपुरा बनाएंगे, और इस सवालों को लेकर के हाईलाइट करेंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। हमारे बीच कांग्रेस के जिला के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर महतो जी हैं, हमारे बीच माले के जिला के वरिष्ठ नेता कमलेश प्रसाद जी हैं, राजद के जिला अध्यक्ष संजय भाई जी हैं, संजय कुमार सिंह जी हैं, हमारे बीच सीपीएम के जिला सचिव बीरबल शर्मा हैं, और हमारे पार्टी के कई नेता हैं, खेत मजदूर यूनियन के नेता हैं, व्यवसाय संघ के हीरा साहु जी हैं, और फिर इन लोगों से भी आपको बताएंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से जिले के अंदर भ्रष्टाचार के लिए कमर कस चुकी महागठबंधन इस बात को हाईलाइट करिए, भ्रष्टाचारियों का अब खैर नहीं होगा। यदि वो अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो हम आंदोलन भी करेंगे, सड़क से सदन तक मामला उठेगा, और खास करके ये सात निश्चय योजना और जनजीवन हरियाली, जनजीवन हरियाली, जनजीवन हरियाली के साथ साथ ये कोरोना काल में जो बड़े पैमाने पर करोड़ों का लूट हुआ, ये तीनों चीजों को हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। इन तमाम सवालों पर हम आंदोलन को तेज करेंगे।